इंडिया गठबंधन का थोड़ी देर में रोड शो होना है और इस बीच मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने खास बातचीत के दौरान बताया कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हमारे पास लोकतंत्र है। पीएम चेहरे के लिए कई चेहरे हैं, चुनाव के बाद किसी एक चेहरे को चुन लिया जाएगा। आगे सुनिए अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा। इंडिया गठबंधन का आज रोड शो है और हम इस समय हजरतगंज में मौजूद हैं। यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसी तैयारियाँ हैं? देखिए, इस बार जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हराना है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। आप देखो, यहाँ पर जितना आपको दिखाई पड़ेगा यूथ है, यूथ ने मन बना लिया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को इस सरकार से मिली है तो यूथ को मिली है। जैसे छात्रों का पर्चा लीक होता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो परेशान हैं, किसान की जिस तरह से दुर्गति हुई, जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, तो इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। उसी के उपलक्ष्य में आप देखो आज रोड शो पे रोड शो होने वाला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, श्री अखिलेश यादव जी का। आप देखेंगे रोड शो में किस तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी को आज ही हारने का स्वाद चखा कर रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? ये देखे ना, हमारे अंदर लोकतंत्र है ना, हमारे पास तो कई चेहरे हैं। यही लोकतंत्र की खासियत है कि कई चेहरे होने चाहिए और चुनाव के बाद किसी एक चेहरे को चुन लिया जाएगा। उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है एक के अलावा। लगातार अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की 79 सीट जीत रहे हैं, एक सीट पर मुकाबला है, कैसे जीत रहे हैं? क्या वो आपको देख लीजिए, आप घूम के देख लीजिए, आपका कैमरा आपको सही बता देगा कि जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। पत्रकार एक मिनट बातें इधर उधर कर सकता है लेकिन आपका कैमरा नहीं झूठ बोलेगा। कैमरा बता रहा होगा कि इंडिया गठबंधन आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ रेहान वारसी, एमके न्यूज, लखनऊ। तो वहीं रोड शो से पहले सपा कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है। इस बीच बातचीत में सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब की बार जो समय है वो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, जिससे जितना जोर लगाना है लगा ले। सुनिए सपा कार्यकर्ताओं से बातचीत का अंश। इंडिया गठबंधन का आज रोड शो होना है। हम इस समय मौजूद हैं हजरतगंज में। अखिलेश यादव का अभी कुछ ही देर में रोड शो शुरू होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अखिलेश यादव के अभिवादन के लिए पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह है, कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, हाथों में झंडे हैं। और अभी कुछ ही देर में अखिलेश यादव का रोड शो शुरू होगा और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता उनसे बातचीत करेंगे। कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा? और बस 5 बजे से कार्यक्रम है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं और हमारे कार्यकर्ता और हमारे पार्टी के नेता सभी लोग पूरे जोश में हैं यहाँ पे, क्योंकि आने वाला समय अब की बार अखिलेश, राहुल, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश चिल्ला रहा है कि अब की बार समझ ही सकते हैं आप राहुल अखिलेश। क्या उत्साह है कार्यकर्ताओं के? और आने वाला समय अब की बार जो है ना अखिलेश और राहुल का है और इस बार इंडिया का ही सरकार बनना है। बाकी चाहे जितना जोर लगाना है जिसको लगा ले, मगर इस बार बनेगा तो फिर इंडिया का ही सरकार बनेगा। तो देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है उनके अंदर काफी उत्साह है और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको उनके अभिवादन के लिए कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सामने आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस और यूपी पुलिस की जो जवान हैं वो भी तैनात हैं और पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन नफीस के साथ रेहान वारसी, एमके न्यूज़, लखनऊ।